आज हम आपको एक धार्मिक स्थल की यात्रा पर ले चलते हैं। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ का पहला घर कैलाश पर्वत है तो दूसरा घर जटाशंकर धाम है। जी हाँ, ये स्थान पंचमढ़ी की वादियों में सैकड़ों चट्टानों के बीच बसा हुआ है। यहीं के कणकण में शिव जी बसते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भस्मासुर जब शिव जी के पीछे पड़ गए थे, तब शिव जी ने इटारसी के पास तिलक सिंदूर और उसके बाद पचमढ़ी में जटाशंकर में शरण ली थी। शिव जी ने यहाँ अपनी विशालकाय जटाएं फैलाई थी। यहाँ की चट्टानों के फैलाव को देखकर यही प्रतीत होता है कि ये स्थान शिव जी का दूसरा घर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भस्मासुर शिव जी के पीछे पड़ गए थे, उस समय शिव जी भाग कर यहीं छुपे थे। पहाड़ों और चट्टानों के बीच बरगद के पेड़ों की झूलती शाखाएं देखकर ऐसा लगता है कि शिव जी ने अपनी विशालकाय जटाएं फैला रखी है। बताया जाता है कि इसी कारण इस स्थान का नाम जटाशंकर पड़ा। इसके अलावा यहाँ बड़ी बड़ी और झुकी हुई चट्टानों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे शिव जी अपनी जटाएं फैलाए हुए हैं। पंचमढ़ी का सबसे सुंदर पर्वत पर जो होल मिलते हैं देखने के लिए, तो जो होल देखते हैं वो आँख से ऊपर माथे का फेस, नीचे नाक है। वाह भाई वाह, खोपड़ी की हड्डी, हड्डी की खोपड़ी, खोपड़ी का खोपड़ी खोपड़ी में बहुत आया सही में भी नहीं लगा। ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं ना सर, इस पर्वत पर एक चेहरा मिलता है देखने के लिए फेस। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को कैलाश पर्वत के बाद महादेव का दूसरा घर माना जाता है। भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए जिन कंदराओं और खोहों में छुपे थे, वो सभी स्थान पंचमढ़ी में है। महाशिवरात्रि के दौरान सैकड़ों भक्त यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ शिव जी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है कि वे लोगों के दिलों में बसते हैं। क्या नाम ये नीचे है, ये सब जटा है। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटाशंकर मंदिर के अंदर से दर्शन करने के बाद दूसरे रास्ते की तरफ से बाहर निकलने का रास्ता है, जो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि ऊपर से कितनी गहराई के साथ जो है यहाँ पर है, और यहाँ के पानी का बड़ा महत्व बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ का पानी पीना बड़ा अच्छा रहता है, और ये जिस तरीके से ऊपर से ये जो पानी है, ये पानी आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जटाशंकर शिव जी का ये मंदिर है, और अंदर ये जो एक आकृति है ये आपको दिख रही है कि किस तरह से भगवान की यहाँ पर पुरातन मान्यताएं हैं। भगवान शिव की मान्यता को मानने वाले भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, और यहीं से ये रास्ता फिर ऊपर के लिए जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्त इस कठिन रास्ते से वापस निकलते हैं। ये रास्ता फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भक्त इस छोटी सी गुफा में से निकल कर आते हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो पानी के साथ ही कटते हैं, और यहाँ पर कभी पहाड़ गिरने का खतरा नहीं बताया जाता है। और जितने भी यहाँ पर भक्त आते हैं, वो सभी कोई ना कोई अपनी मनोकामना यहाँ पर करते हैं, और मनोकामना पूरी होने पर फिर वापस आते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो यहाँ लगातार हर साल आते हैं। जय शिव। यहाँ एक महिला बरसों से शिव जी के भजन गाती है। उनके भजन और आवाज का जादू ऐसा है कि हर कोई श्रद्धालु उसके भजन सुनने के लिए ठहर जाता है। कुछ लोगों ने उसके भजनों की सीडी भी प्रकाशित की है। सिंधु भाई नाम की ये महिला 2 दशक पहले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के गोरज गाँव से यहाँ कर रहने लगी थी। वो क्यों आई, इस बारे में सिर्फ इतना कहती है कि शिवजी ही मुझे यहाँ तक ले आए हैं। सिंधुबाई को स्थानीय लोग भक्तन बाई के नाम से भी पुकारते हैं। पिछले 2 दशकों से सिंधुबाई चट्टानों पर बैठकर भजन कीर्तन करती रहती हैं।
पहाड़ों से निकाल कर लाई गई जड़ी बूटियां बेचकर अपना पालन पोषण करती हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? ऐसा सिंधु भाई है पर पचमोड़ी मंदिर पूरे मेरे को आई बोलते और जो भक्त पर लोग आए वो भक्तन नाम सिंधु भाई नाम है। मैं सुबह से शाम तक 12 महीने ओम नमः शिवाय गाती हूँ। बारिश रही थी ऐसी पन्नी ओढ़ के बैठ जाती, ठंड रही तो बनियानी पहन लेती और खुले दिन रहता ऐसी बैठती। पहले मेरा आवाज़ यहाँ से वो पहला मंदिर पड़ा वहाँ तक आवाज़ जाता था। आप कितने साल से यहाँ पे हो? 50 साल। तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 70। तो आप कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र। तो यहाँ कैसे आए थे? भोलेनाथ की भक्ति में लाए। तो यहाँ अकेले आए थे अपना परिवार छोड़ के? दो बच्चे। और ये जड़ी बूटी कौन सी बेचते हो? ये क्या है? ये तेल है। काय का तेल है ये? अभी दर्दर्शन तो कोई के भी पाँव में दर्द हो तो लगा लो घड़ी का काटा 5 मिनट का, 5 मिनट आराम झाला तो ले जाओ, नहीं हुआ तो कई जरूरी नहीं। तो लोग तो कहते हैं यहाँ नकली जड़ी बूटियाँ भी बहुत मिलती है। यहाँ नहीं मिलती, यहाँ 9 लाख पहाड़ है भोलेनाथ का, नकली नहीं मिलती। बोलो ओम नमः शिवाय। यहाँ की चट्टानों पर आपको अलग ही तरह की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ लगी एक चट्टान पर गणेश जी की आकृति साफ दिखाई देती है। मंदिर बहुत नीचे की ओर स्थित है और वहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया गया है और गुफाओं के बीच पानी के अंदर कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिव जी ने अपनी जटाओं का त्याग किया था और शिव जी यहाँ शेषनाग रूप में विराजित हैं। और ये बात इसलिए भी सही जान पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक शिवलिंग है उस पर चट्टानों पर शेषनाग की आकृति बनी हुई है। पंचमणि की एक और विशेषता है जो हम आपको बताते हैं कि यहाँ की वादियों में एक ऐसा पत्ता पाया जाता है जिसे गुड़माल कहते हैं और इस पत्ते की ये विशेषता है कि कोई भी एक या दो पत्ते खा लेता है तो अगले 6 महीनों तक उसका खून साफ रहता है। इस पत्ते की यही विशेषता है। पंचमणि के शिव मंदिर में जब हमने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि बरसात में ये मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है। इस मंदिर में जाने का रास्ता पहाड़ों के बीच से है और पहाड़ों के बीच अब सीढ़ियां लगा दी गई हैं ताकि लोग आसानी से इसमें आ जा सकें, लेकिन वापस निकलने का रास्ता एक छोटी सी गुफा से होकर निकलता है। पंचमणि के इस गुफा वाले मंदिर में जटाशंकर मंदिर का खास महत्व है। यहाँ पर आने वाला हर पर्यटक मंदिर में जरूर आता है और यहाँ पर जो इतनी नीचे जाकर भगवान शिव का मंदिर बना है उसका पुरातन महत्व बताया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से, वो बताएंगे कि यहाँ पर जो है इसका क्या महत्व है और ये कब से मंदिर बना है। प्राकृतिक है, यहाँ भगवान ने अपनी जटाओं का त्याग किया प्राचीन काल से। कितने साल पुराना मंदिर है? प्राचीन काल का है। आप कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं? तो अभी है, बाकी यहाँ महाराज जी है उनकी 4थी 5वीं पीढ़ी है तभी। आपकी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर है जी? यहाँ पर बारिश में पानी पूरा भर जाता है क्या? बहुत तेज बारिश होती है तो मंदिर डूब जाता है। मंदिर बारिश में एक बार डूब जाता है फिर वापस भोलेनाथ के दर्शन शुरू हो जाते हैं? बारिश बंद होती है तो पानी निकल जाता है फिर से दर्शन चालू हो जाते हैं। पंचमणि की गुफाओं में बसे इस शिव मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है
और यहाँ पर स्थित शिवलिंग के दर्शन से अपार सुख का अनुभव होता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।